हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो क्लास में। फ्रेंड्स, इस वीडियो क्लास में मैं डिस्कस करूंगा आईबीपीएस क्लर्क प्री एग्जाम का एक आरसी, और ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज पूछा गया था 7 दिसंबर 2019 को आईबीपीएस क्लर्क प्री एग्जाम में। तो ये क्वेश्चन हाईली यूजफुल रहेगा एसबीआई क्लर्क के फोर्थकमिंग प्री एग्जाम में। तो चलिए देखते हैं इन क्वेश्चंस को, और सभी स्टूडेंट्स से मैं बताना चाहूँगा कि यदि वोकेबलरी आपकी प्रॉब्लम है तो englishiq.in इस वेबसाइट पर आपको जाना है। यहाँ पर वोकेबलरी की एक सीरीज भी मैं चला रहा हूँ, और फ्री ई बुक्स भी यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, ये एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज है, ये आईबीपीएस क्लर्क प्री एग्जाम में 7 दिसंबर को पूछा गया था। ठीक है, सेम ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे एसबीआई क्लर्क प्री एग्जाम में। तो आरसी को देखिए, सबसे बाद में आपको करना है प्री एग्जाम में। सबसे पहले नॉन आरसी जो क्वेश्चंस हैं, मिसलिनियस जो क्वेश्चंस हैं जिनमें टाइम कम लगता है, उनको सबसे पहले करना है, आरसी को बाद में करना है। और आरसी में जो वोकेबलरी के क्वेश्चंस हैं उनको आपको सबसे पहले करना है। ठीक है, जैसे आरसी देखिए ये सामने है आपके, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज। मेंस में 2 आरसी आते हैं, ठीक है, प्री में नॉर्मली एक ही आरसी आता है। ये यहाँ से क्वेश्चंस हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले आपको वोकेबलरी के जो क्वेश्चंस हैं वो इसमें आपको करना है, क्योंकि इनमें टाइम नहीं लगता है। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ऑन अकाउंट ऑफ, इसको आप किससे रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑन अकाउंट ऑफ और ओइंग टू, इन दोनों का मीनिंग सेम ही रहता है। ओइंग टू का मतलब होता है बिकॉज ऑफ, लेकिन ऑन अकाउंट ऑफ थोड़ा सा फॉर्मल होता है। इन दोनों का मीनिंग सेम ही होता है। ठीक है, तो ये तो एक जनरल ग्रामर की नॉलेज है, इसके लिए आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज को पढ़ना जरूरी नहीं है। तो सबसे पहले आपको इस तरीके के क्वेश्चंस करना है जिसके लिए आपको पैसेज को पढ़ना जरूरी नहीं है। जैसे ये है, थोड़ा सा फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये है, इसके लिए पढ़ना पड़ेगा आपको। ठीक है, यहाँ पर देखिए अपोजिट वर्ड पूछा है एड्रेसिंग का। ठीक है, तो इसके लिए भी पैसेज को पढ़ना जरूरी नहीं है। देखिए, जब आप किसी प्रॉब्लम को एड्रेस करते हैं तो उसको आप रिजॉल्व करते हैं, उसको आप सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यदि आप सॉल्व नहीं कर रहे हैं तो इसका क्या मतलब होगा, उसको आप इग्नोर कर रहे हैं। तो एड्रेसिंग का अपोजिट जो होगा वो होगा इग्नोरिंग। देखिए, मैंने पैसेज नहीं पढ़ा और डायरेक्ट वोकेबलरी के क्वेश्चन मैं आपको करके बता रहा हूं। तो ऐसे आपको पैसेज को करना है, सबसे पहले वोकेबलरी के क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन जिनके लिए पढ़ना जरूरी नहीं है पैसेज को, और ये रियल पैसेज है। अब देखिए, यहां पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेम इन मीनिंग ऑफ द वर्ड ब्रंट। देखिए, यदि आप रीडिंग करते हैं तो एक इडियम होता है बेयर द ब्रंट ऑफ, मतलब किसी, जैसे कोई कोई भी इंसिडेंट होता है, कोई भी हैपनिंग होती है, तो उसका जो मेन इफेक्ट है उसको हम बोलते हैं ब्रंट। ठीक है, वी हैड टू बेयर द ब्रंट ऑफ दैट एक्टिविटी। बेयर द, हमें सहना पड़ा, हमें क्या सहना पड़ा, ब्रंट सहना पड़ा, मतलब मेजर इंपैक्ट उसका हमारे ऊपर पड़ा। तो ब्रंट का मतलब होता है मेजर इंपैक्ट। ये सिंपल वर्ड है, ये कुछ भी कठिन नहीं है इसमें। ठीक है, और देखिए बिना पढ़े मैं आरसी को कर रहा हूं, मतलब आपको ये बता रहा हूं कि कैसे आपको आरसी को करना है। अभी मैं पूरा आरसी आपके सामने सॉल्व करके बताऊंगा। ठीक है, तो अब हम वो देख लेते हैं, क्या पैसेज को देख लेते हैं शुरू से कि किस तरीके से पैसेज को करना है। देखिए, यहां से ये पैसेज स्टार्ट है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी के बारे में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, सभी कंट्रीज में जीडीपी इकोनॉमी को नापने का एक तरीका होता है। ये सारे सारे जितने भी गुड्स होते हैं, जितना भी माल या सामान है, और जितनी भी सर्विसेज है एक कंट्री के अंदर, उसकी जो टोटल वैल्यू होती है उसको हम जीडीपी बोलते हैं। ठीक है, इसको हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद बोलते हैं, इंग्लिश में इसको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं। तो उसी के बारे में है ये पूरा पैसेज। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट स्टैंड फॉर, मतलब इसका मतलब होता है, इसका फुल फॉर्म होता है, स्टैंड फॉर मतलब इसका मतलब होता है, स्टैंड फॉर द नेट वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री। मतलब एक साल में सारी गुड्स और सारी सर्विसेज की जो वैल्यू है वो उस कंट्री का एक साल का जीडीपी होता है। ठीक है, इट इज यूज टू इंडिकेट द हेल्थ ऑफ द इकोनॉमी। ये मैंने आपको बताया ही था कि इकोनॉमी की हेल्थ इससे पता पड़ती है। जितना अच्छा जीडीपी होगा उतनी तेजी से उतना उतना अच्छी इकोनॉमी आपकी मानी जाएगी। इन ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड अ हेल्दी जीडीपी ग्रोथ रेट इज ए गुड साइन एज इट इज। अब यहां पर एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया होगा, आगे जब हम क्वेश्चंस देखेंगे तो यहां पर एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया होगा कि यहां पर फिलर में क्या आएगा। ठीक है, तो ये किस चीज को बताता है कि इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट एंड इंक्रीज इनकम। यदि इनकम बढ़ रही है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, तो जीडीपी भी वहां पर
बढ़ जाएगा, तो उसका ये साइन होता है। ऑल्सो बिजनेसेस टेंड टू इन्वेस्ट मोर इन ए कंट्री वेयर द जीडीपी ग्रोथ इज हाई। ये बिल्कुल सही है कि बिजनेस जो होते हैं, बिजनेस हाउसेज जो होते हैं, वो उस कंट्री में पैसा लगाते हैं जहाँ पर जीडीपी ग्रोथ ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पर उनको रिटर्न ज़्यादा मिलता है। अल्टिल नाउ इकोनॉमिस्ट इंक्लूड वेरियस फैक्टर्स टू कैलकुलेट जीडीपी। मतलब अभी तक काफ़ी सारे लोग इकोनॉमिस्ट जब जीडीपी को कैलकुलेट करते थे तो उसमें काफ़ी सारे फैक्टर्स को इंक्लूड करते थे। वो फैक्टर्स क्या थे? एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है, आउटपुट फ्रॉम फैक्ट्रीज है, ग्रोथ ऑफ सर्विसेज है, ये इनको इनको इंक्लूड करते थे, ठीक है। लेकिन इसके बाद क्या बोला गया है, हाउएवर एनवायरमेंटल कॉस्ट हैवंट बीन अ पार्ट ऑफ जीडीपी कैलकुलेशन। मतलब अभी तक दूसरे सभी फैक्टर्स को तो इंक्लूड किया है, लेकिन एनवायरमेंटल जो कॉस्ट है इसको जीडीपी में इंक्लूड नहीं किया है। एनवायरमेंटल कॉस्ट का मतलब यह है कि जो मौसम में जो चेंजेज होते हैं उसकी वजह से जो प्रोडक्टिविटी अफेक्ट होती है उसका भी तो जीडीपी पर अफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो उसको अभी तक चेंज नहीं किया, उसको अभी तक इंक्लूड नहीं किया है। एड्रेसिंग दिस गैप, यानी इस गैप को एड्रेस करते हुए, इस गैप को रिजोल्व करते हुए जर्नल, एक जर्नल होता है, जैसे जैसे न्यूज़पेपर होता है वैसे एक जर्नल होता है, जर्नल एक्स वाई जेड has published a new study that calculates GDP losses on account of climate changes. मतलब इस जर्नल ने, जिसका नाम XYZ है, उसने एक रिपोर्ट पब्लिश की है। उस रिपोर्ट में उसने क्या बताया है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से GDP पर क्या इफेक्ट पड़ता है। XYZ रिपोर्ट ने ये बताया है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से GDP पर क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। इन जनरल एंड इन एक्सट्रीम हीट इन पर्टिकुलर, मतलब क्लाइमेट चेंज से क्या फर्क पड़ता है और एक्सट्रीम हीट से क्या फर्क पड़ता है। द रिसर्च टीम यूज्ड सिमुलेशन फ्रॉम 8 सेपरेट अर्थ सिस्टम मॉड्यूल्स टू कैलकुलेट हिस्टोरिकल एंड फ्यूचर इंक्रीजेस ऑफ हीट एक्सपोजर। मतलब इस जर्नल ने एक स्टडी हुई है, उसकी एक एनालिसिस हुआ है, उसकी रिपोर्ट को पूरा पब्लिश किया है। We know that global temperatures are rising and this is a direct result of rising carbon dioxide levels in the atmosphere. ये तो हमको सबको पता ही है कि पृथ्वी का जो तापमान है वो बढ़ रहा है, और इसका रीज़न क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ रहा है, तो उसकी वजह से पृथ्वी का, अर्थ का, हमारा जो तापमान है वो बढ़ रहा है। According to this study, for each trillion of CO2 emission, GDP losses would be nearly 0.5%, but how? मतलब इस स्टडी में ये बताया गया है कि हर CO2 emission के साथ GDP जो है वो nearly 0.5% affect होता है, GDP का loss होता है 0.5% का हर trillion CO2 emission के साथ। तो यहाँ पर ये जो keywords हैं, जैसे trillion word पूछा गया है और इन्हीं के base पर आगे आपसे questions पूछे जाएंगे, तो ये keywords को आपको note करते हुए जाना है। When temperatures go up, school and institute, बात सही है, यदि तापमान जब काफ़ी बढ़ जाता है, जैसे जब सर्दी पड़ती है, बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है, स्कूल बंद हो जाते हैं, इंस्टीट्यूशंस फैक्ट्रीज वगैरह बंद हो जाती हैं, वहाँ पर लोग और जो वहाँ पर जो काम करते हैं वो लोग वहाँ पर नहीं जाते हैं, तो उससे प्रोडक्टिविटी अफेक्ट होती है और प्रोडक्टिविटी की वजह से फिर GDP भी अफेक्ट होता है, ठीक है। एक्सट्रीम कोल्ड ड्यूरिंग विंटर एंड फ्लड्स आफ्टर एक्सट्रीम रेनफॉल ऑल्सो लीड टू द सेम रिजल्ट। सिंस आर बॉडीज आर नॉट हैबिचुएटेड टू फंक्शन प्रॉपरली इन एक्सट्रीम वेदर, most of us prefer staying inside our homes. In other words, productivity reduces with rise in temperature. ये सही है, टेम्परेचर बढ़ता है या बहुत ज़्यादा घटता है तो उससे प्रोडक्टिविटी डेफिनेटली अफेक्ट होती है, GDP अफेक्ट होता है। बी इट एग्रीकल्चर, फैक्ट्रीज, बैंक्स और हॉस्पिटल, ईच सेक्टर डिपेंड ऑन पीपल एंड द लेबर दे पुट इन वर्क। तो तेज़ी से आपको पढ़ना है और तेज़ी से उसको कॉम्प्रिहेंड करना है, यही एग्जामिनर का पर्पज़ होता है कि आप कितनी तेज़ी से पढ़ सकते हैं और एट द सेम टाइम उसको आप समझ सकते हैं कि इसका निचोड़ क्या है। तो इसका निचोड़ ये है कि GDP पर जो क्लाइमेट चेंजेज है उसका फर्क डेफिनेटली पड़ता है, ठीक है। व्हेन पीपल डू नॉट रिपोर्ट टू वर्क, देयर विल बी अ फॉल इन प्रोडक्शन ऑफ दी सेक्टर एंड गेस हु विल बेयर द ब्रंट ऑफ द हीट, पीपल लिविंग इन ट्रॉपिकल कंट्रीज। ट्रॉपिकल कंट्रीज मतलब पृथ्वी के बीच में जो ट्रॉपिक्स हैं, एक होता है ट्रॉपिकल पार्ट और एक होता है पोलर पार्ट, पोल्स। पोल्स पर तो ठंड ज्यादा पड़ती है, सर्दी ज्यादा पड़ती है, ट्रॉपिकल में गर्मी ज्यादा पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ के लोगों को मैं GDP का इफेक्ट ज़्यादा पड़ता है, ठीक है। बिकॉज ऑफ देयर जियोग्राफिकल लोकेशन दीज कंट्रीज रिसीव डायरेक्ट सनलाइट, हाँ यहाँ पर क्योंकि ये पृथ्वी के बीच में होते हैं ये ट्रॉपिकल कंट्री,
तो डायरेक्ट सनलाइट की वजह से गर्मी ज़्यादा होती है और इससे प्रोडक्टिविटी अफेक्ट होती है. ऑल्सो आर मेजोरिटी ऑफ दीज कंट्रीज आर पुअर विच मेक्स देम वल्नरेबल टू मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस फ्रॉम डेवलप्ड कंट्रीज दैट एक्सप्लॉइट द लोकल रिसोर्सेज टू जनरेट प्रॉफिट. एक तो इन कंट्रीज में गर्मी ज़्यादा पड़ती है, एक ये कंट्रीज पुअर हैं, तो जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं अमेरिका की, ब्रिटेन की और यूरोपियन कंट्रीज़ की, वो इनको एक्सप्लॉइट करती हैं, यहाँ के जो रिसोर्सेज होते हैं इनको वो एक्सप्लॉइट करते हैं. प्रोडक्टिविटी लॉसेज इन कंट्रीज लाइक गैबन एंड मलेशिया कुड बी अप टू 5% ऑफ द टोटल GDP एनुअली. तो ये पूरा रिपोर्ट यहाँ पर बताई है. सिंपल पैसेज है, तेजी से आपको पढ़ना है. सबसे पहले वोकैबुलरी के क्वेश्चन करना है और RC को सबसे बाद में करना है, पहले मिसलिनियस क्वेश्चन आपको करना है. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज. प्रोडक्शन ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर इन मैनी कंट्रीज इज नाउ इंडिपेंडेंट ऑफ लेयर. इसकी तो कोई बात ही नहीं हुई. स्कूल्स एंड इंस्टीट्यूशन रिमेन ओपन, नहीं ये गलत है. द ह्यूमन बॉडी कैन फंक्शन वेल इन एक्सट्रीम, गलत है. देर इज नो रिलेशन बिटवीन अ राइजिंग टेम्परेचर एंड प्रोडक्टिविटी, रिलेशन है, यानी ये भी गलत है. तो इसका आंसर होगा नन ऑफ द गिवन ऑप्शन इज ट्रू. देखिए किस तरीके से एग्जामिनर ने आपको कंफ्यूज किया है. फोर्थ इसका आंसर होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट GDP एज मेंशन्ड इन द पैसेज. इट शुड बी बेस्ड अपॉन द परफॉर्मेंस ऑफ द सर्विस सेक्टर, नहीं ये गलत है. इट टेक्स एनवायरमेंटल कॉस्ट इन टू कंसिडरेशन, एक सेकेंड. इट इज यूज एक्यूरेटली इन डेवलप कंट्रीज, चांसेस ऑफ इन्वेस्टमेंट आर हाई इन कंट्रीज विथ हाई GDP ग्रोथ, ये सही है. ठीक है, एनवायरमेंटल कॉस्ट अभी तक इंक्लूड नहीं होता था, लेकिन अब इंक्लूड उसको किया जा रहा है. तो इसकी ये एक्चुअली सही नहीं है, इसमें होना चाहिए ये वाला, क्योंकि इसकी एकदम क्लियरली बात की गई है कि चांसेस ऑफ इन्वेस्टमेंट आर हाई इन कंट्रीज विद हाई GDP ग्रोथ, इसकी डेफिनेटली पैसेज में बात हुई है. तो फोर्थ यहां पर आपका सही आंसर होगा. द स्टडी पब्लिश्ड बाय जर्नल XYZ असेस्ड द, ठीक है, इस जर्नल ने जिसका नाम XYZ है, इसने किस चीज को इवेल्युएट किया है. राइज इन ग्लोबल टेम्परेचर एज पर द राइज इन CO2 एमिशन, नहीं ये नहीं है. इसका आंसर होगा फिफ्थ, क्वांटिटेटिव इंपैक्ट ऑफ राइजिंग टेम्परेचर ऑन GDP ग्रोथ ऑफ द कंट्री. टेम्परेचर और GDP को इसने स्टडी किया है. फिफ्थ इसका सही आंसर आपका होगा. नेक्स्ट हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड फिल अप द ब्लैंक टू मेक द सेंटेंस मीनिंगफुल. देखिए यहां पर क्या आ सकता है, जो आपका ब्लैंक था यहां पर होना चाहिए, कहां गया वो, ये है. एज इट इज अ हेल्दी GDP ग्रोथ रेट इज ए गुड साइन एज इट इज इंक्रीज्ड एम्प्लॉयमेंट एंड इंक्रीज्ड इनकम. यदि GDP बढ़ा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, ये किस चीज का साइन है कि इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट बढ़ा हुआ है वहां पर और इनकम भी वहां पर बढ़ी हुई है. तो यहां पर आपका आंसर होना चाहिए इज इंडिकेटिव ऑफ होगा. यहां पर इंक्रीज्ड GDP जो है वो इंक्रीज्ड एम्प्लॉयमेंट का इंडिकेशन है. ठीक है, तो इज इंडिकेटिव ऑफ, ये सही आंसर यहां पर होगा. ओइंग टू ये लगाई चुके हैं. यहां पर हम देखते हैं, वाई अकॉर्डिंग टू द ऑथर इज द GDP ऑफ ट्रॉपिकल कंट्रीज मोर ससेप्टेबल टू हायर एनवायरमेंटल कॉस्ट. क्योंकि एक तो ये कंट्रीज पुअर हैं और एक MNCs इनको एक्सप्लॉइट करती हैं. ठीक है, तो इसमें ये आंसर होगा एक्सप्लॉइटेशन बाय MNC फ्रॉम डेवलप कंट्री, ये सही है. दीज ऑलरेडी हैव हाई टेम्परेचर ड्यू टू डायरेक्ट सनलाइट, मोस्ट ऑफ दीज कंट्रीज आर दे आर रिच. नहीं नहीं ये नहीं है, केवल इसमें ए ही आंसर है. दीज ऑलरेडी हैव हाई टेम्परेचर ड्यू टू डायरेक्ट सनलाइट, B है, A and B है इसमें. मोस्ट ऑफ दीज कंट्रीज आर रिच, नहीं A and B है. ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट भी इसमें पड़ती है तो इसलिए वहां पर प्रोडक्टिविटी उतनी नहीं हो पाती है. तो इसका आंसर होगा आपका A and B. ठीक है, आगे देखते हैं. अकॉर्डिंग टू द ऑथर, ऑथर के अकॉर्डिंग क्या बात सही है. एक्शन मस्ट बी टेकन अगेंस्ट डेवलपिंग कंट्री, नहीं एक्शन की कोई बात नहीं हुई है. राइजिंग CO2 इमिशन मस्ट बी चेक्ड बाय कंट्रीज टू मिनिमाइज लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी, पीपल विल डेवलप फिजिकल रेजिलियंस, नहीं ये नहीं है. बी इसमें कंक्लूजन निकाला जा सकता है कि ऑथर ने इस चीज को उठाया है एक्चुअली इस पैसेज में कि राइजिंग CO2 एमिशन मस्ट बी चेक्ड बाय कंट्रीज टू मिनिमाइज लॉसेस ऑफ प्रोडक्टिविटी.
हालांकि इसका क्लियर, ये चीज क्लियर नहीं लिखी है पैसेज में, लेकिन इसको कंक्लूड किया जा सकता है। तो इसमें आंसर होगा आपका ओनली बी। ठीक है, ये हम कर ही चुके हैं, ये ब्रंट मैंने बताया ही था, ये कर चुके हैं हम। तो इस तरीके से पैसेज को देखिए कितनी जल्दी ये पैसेज हो गया। तो ऐसे आपको पैसेज को करना है प्री में, और पैसेज को सबसे बाद में करना है। सबसे पहले वोकैबुलरी से रिलेटेड क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। तो 3 या 4 क्वेश्चन तो आपके आसानी से हो सकते हैं पैसेज में, बाकी मिसलिनियस क्वेश्चंस करने हैं सबसे पहले। इस तरीके से आप करेंगे तो 30 में से 20 मार्क्स तो आप आसानी से ला सकते हैं, यानी ये डूएबल टारगेट है। और इतना आप लाते हैं तो इसमें आपका सेक्शनल एंड ओवरऑल कट ऑफ दोनों ही आपका क्लियर हो जाता है। तो ये IBPS क्लर्क जो 7 दिसंबर 2019 को जो पेपर हुआ था उसका ये फाइनल पार्ट है, ठीक है। RC के ये क्वेश्चंस हैं, इसके फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट भी मैंने अपलोड कर दिए हैं, तो उनको भी आप देखें। और मेरे वीडियो क्लासेज यदि अच्छे लगते हैं तो उनको लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें अपने सभी ग्रुप्स में। मैं सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे चैनल इंग्लिश एडवांटेज यूट्यूब चैनल पर इस समय व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, तो आप लोगों को सपोर्ट करना है। आप लोग यदि सपोर्ट करते हैं तो डेफिनेटली इस चैनल को एक बूस्ट मिलेगा और फ्री एंड बेस्ट कंटेंट मैं आपको देता रहूँगा। तो इसलिए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसे लगे मेरे वीडियो क्लासेस और कैसे लगते हैं, और शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब भी करें। तो इस वीडियो क्लास में इतना ही, अब मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में। थैंक यू।